हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल 10 मिलियन में। दोस्तों आज का इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि YT स्टूडियो में जो नया अपडेट आया है उसके बारे में, और दोस्तों वीडियो अपलोड कैसे करें YT स्टूडियो से। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहे, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे आपको इसी तरह का वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों YT स्टूडियो को सबसे पहले ओपन करना होगा। ये देख सकते हो YT स्टूडियो को हम ओपन कर दिए। ओपन कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर में अपना लोगो का बीच में यहाँ पर देख सकते हैं प्लस का आइकन दिख रहा है यहाँ पर। तो इससे वीडियो डाउनलोड कैसे करें दोस्तों? यूट्यूब से तो वीडियो डाउनलोड करने आपको आता होगा, और YT स्टूडियो से वीडियो अपलोड करने आज हमको सिखा रहे हैं हम आपको। तो ठीक है, देख सकते हैं प्लस का आइकन अगर आपका चैनल में नहीं आया होगा आपका YT स्टूडियो में, तो आप अपडेट एक बार कर लीजिएगा, आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस में आके क्लिक कर देते हैं। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों अगर हमको शॉर्ट वीडियो डालना रहेगा तो जैसे कि शॉर्ट वीडियो बना के रखेंगे उसको आके यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह से। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड शॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ नीचे। पहले यहाँ पर आप प्राइवेट कर लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद अपलोड शॉर्ट में आके यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। देख सकते हैं क्लिक कर देने के बाद इस तरह से ऑप्शन होगा कि दोस्तों तुरंत यहां से अपलोड हो गया है। अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों यहां पर थोड़ा सा अपलोडिंग करने का प्रोसेसिंग लेगा, इसको पूरा होने देना है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट वीडियो पूरा अपलोड हो गया है। अब दोस्तों यहां पर हमको टाइटल थंबनेल टैग लगाना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आके यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इसी में आगे क्लिक कर देना है इस तरह से। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं टाइटल लिखने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम दिख रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दीजिएगा। और दोस्तों टैग का ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, दिख रहा है टैग शॉर्ट, इसमें आके क्लिक कर देना है इस तरह से। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में आप टैग यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से करना है दोस्तों। शॉर्ट वीडियो डाउनलोड कर अपलोड करना सीख गए आप दोस्तों, अब आपको लॉन्ग वीडियो डालने सिखा रहे हैं दोस्तों। फिर से वही प्रोसेस करना है, ऊपर में आके क्लिक कर देना है इस तरह से प्लस में। ठीक है, उसके बाद जो वीडियो बना के रखे हो उसको आके यहाँ पर क्लिक कर देना है इस तरह से। जैसे हम वीडियो बना के रखे हैं उसको क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं पहले सबसे पहले यहाँ पर थंबनेल लगाने का ऑप्शन दिख रहा है, पेन का आइकन दिख रहा है, इसमें आके यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरह से उसके बाद सब जो थंबनेल बना के रखे हैं वो थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद फिर जैसे जैसे आप शॉर्ट वीडियो में हम बताए थे ये टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखना है, उस तरह से इसमें भी ऑप्शन है, इस तरह से करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो देख के आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।